खबर अंबेडकर नगर से सामने आ रही है। फर्जी केस दिखाकर एम्बुलेंस के जरिए फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। अंबेडकर नगर से खबर है, फर्जीवाड़ा मामले में अब तक नहीं शुरू हुई है जांच। तो फर्जीवाड़ा मामले में अब तक जांच नहीं शुरू हुई है, ये बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। जहां पर अब तक जांच नहीं शुरू हुई, शासन ने सीएमओ से आपको बता दें कि एक सप्ताह के बीत जाने के बावजूद नहीं शुरू हो सकी है जांच। तो एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद अब तक जांच नहीं शुरू हो सकी है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर डीजी हेल्थ ने दिए थे निर्देश। तो स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर डीजी हेल्थ ने निर्देश दिए थे, यूपी के सभी सीएमओ को दिए थे जांच के आदेश। तो यूपी के सभी सीएमओ को जांच के आदेश दिए थे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और जांच अधिकारी भी की कार्यशैली से उठ रहे सवाल। तो जांच अधिकारी की कार्यशैली से उठ रहे सवाल, शासन ने 102 108 एम्बुलेंस की जांच के लिए लिखा था पत्र। तो शासन ने लिखा था पत्र, फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां पर अंबेडकर नगर से खबर है, फर्जी केस दिखाकर एम्बुलेंस के जरिए फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। अंबेडकर नगर से खबर, फर्जीवाड़ा मामले में अब तक नहीं शुरू हुई है जांच। तो उस पूरे मामले में अब तक जांच नहीं शुरू हुई है, फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां पर शासन ने सीएमओ से मांगी थी एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट। हमारे साथ हमारे संवाददाता सैयद सभी अब्बास जुड़ चुके हैं। सैयद, एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी आखिर पूरे मामले की जांच अब तक शुरू क्यों नहीं हुई? हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जिले में जो है एम्बुलेंस के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है, उसको देखते हुए जो है स्वास्थ्य मंत्री ने जो है यहाँ जांच के लिए जो है आदेश दिए थे कि एक ही गाड़ी को जो है 9-9 चक्कर 19-19 चक्कर जो है दिखाया जा रहा है। सिर्फ पैसे के लिए जो है ये दिखाया जा रहा था, उसको लेकर जांच के आदेश किए गए थे। और एक सप्ताह बीत गया, उसके बाद भी जो है स्वास्थ्य महकमा जो है हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य महकमा हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। अगर फर्जीवाड़ा इस पूरे मामले में था तो क्या स्वास्थ्य महकमे के जो अपर अधिकारी हैं उनके संज्ञान में ये पूरा मामला नहीं है? क्योंकि शासन ने तो सीएमओ से रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर मांगी थी, क्या सीएमओ भी इस पूरे मामले पर अनजान बने बैठे हैं? जी, शासन ने इसकी रिपोर्ट मांगी है और उसके बाद फिर जो है विभाग से जो सीएमओ है या ऊपर बैठे हैं उनको भी इस बात की जानकारी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो ये स्वास्थ्य विभाग जो है इसको दबाने के चक्कर में है, क्योंकि ये करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आ रहा है। जी शुक्रिया आपका सैयद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फर्जीवाड़ा मामले में अब तक नहीं शुरू हुई है जांच, फर्जीवाड़ा मामले में अब तक जांच नहीं शुरू हुई है। और अंबेडकर नगर में फर्जी केस दिखाकर एम्बुलेंस के जरिए फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। फर्जीवाड़े मामले में अब तक नहीं शुरू हुई है जांच। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।